अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 112 जो मॉडल है, इसमें अगर चार्जर नॉट सपोर्टेड का मसला आ जाए तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने एक मेरे पास नोकिया 112 है, इसमें भी यही मसला है। तो दोस्तों इसको ठीक करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों आप इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं पहले चेक करवा दूँ, ये मेरे पास चार्जर है तो मैं इसमें प्लग इन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको ठीक किस तरह करना है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें वाइट कलर की ये वाली बैटरी डालते हैं, तो ये डाल के चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल होते हैं उसमें ब्लैक बैटरी सपोर्ट नहीं करते, तो उस वजह से चार्जर नॉट सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। तो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसमें चार्जिंग प्लग इन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग होना शुरू हो गई है, यानी कि इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में इस तरह का मसला आ रहा है तो आप बैटरी चेंज कर लें, ब्लैक बैटरी नहीं लगानी, वाइट बैटरी लगा के अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।